जर्नी बिगिंस नाउ। अभी हम निकले हैं कोल्हापुर से इंदौर के लिए। सुबह के 6:30 बज रही है। कोल्हापुर से इंदौर का जो किलोमीटर्स हमको बता रहा है मैप, वो है 822 किलोमीटर्स। हम अर्ली मॉर्निंग इसलिए निकले हैं क्योंकि हमको लग रहा था कि हम इंदौर टाइम से पहुंच जाएं, और हमने रूट भी चेंज किया है क्योंकि जब हम गोवा जा रहे थे तो जाते वक्त हम लोग वाया शिरडी गए थे, और हम जब वहाँ जा रहे थे तो मालेगांव से जो सतारा तक का रास्ता है वो सिंगल रोड है, तो इसलिए हमने सोचा कि अभी जब वापसी है तो हम लोग वाया पूना जाएं, पूना वाले रास्ते से, तो वो हमको ज़्यादा बेटर लगा। अगर आप भी गोवा का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो वाया पूना वाला रोड ही बेटर रहेगा। तो मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ का व्यू। देखिए ये हमने किया है स्टॉप आकाश मिसल हाउस पे क्योंकि हमको लग रही है भूख। अभी 11:30 बज रही है और 300 किलोमीटर आ गए हैं हम लोग। बाकी यहाँ हम स्टॉप कर रहे हैं, सोचा थोड़ा नाश्ता खा लें। यहाँ से इंदौर लगभग पड़ेगा और 530 किलोमीटर के लगभग, रात हो जाएगी पहुँचते पहुँचते। ये देखिए एंट्रेंस इतना प्यारा है यहाँ का, ये देखिए भोले बाबा जी का लुंग है, बहुत ही बढ़िया एंट्रेंस लगा मुझे ये। इसके राइट साइड में मैं आपको दिखाती हूँ, ये शॉप है, दो चार शॉप्स लगी हुई है, वुडन के बहुत सारे मतलब चीज़ें पड़ी हैं, बहुत ही अच्छी लगी मुझे, बहुत ही डिफरेंट है, मतलब हर जगह ये चीज़ें नहीं मिलती है। ये देखिए वास्क वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल, मुझे बहुत अच्छी लगी। रेट भी एकदम रीज़नेबल है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ऐसी चीज़ें मैंने कहीं और से भी ली है। ये देखिए ये और भी काफ़ी सारी शॉप्स हैं, साइंस एट होम, ये देखिए बच्चों के हिसाब से भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखिए एक्यूप्रेशर की भी चीज़ें रखी हुई है, जैसे चप्पल पड़ी है और एक्यूप्रेशर का ही है लगभग सब यहाँ पे, तो मैंने पर्सनली यूज़ भी की है ये चीज़ें, तो बहुत ही बढ़िया चीज़ें हैं, अगर आप चाहें तो ये परचेस कर सकते हैं। ये देखिए अभी हम चलते हैं दूसरी शॉप पर। ये
देखिए हम आ गए हैं होटल के अंदर। बहुत क्लीन होटल है, बहुत ही बिल्कुल। यहाँ की एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे एक मंत्र का मतलब कंटिन्यू एक मंत्र चल रहा था, यू नो, पीस ऑफ माइंड। अभी हम सेंधुआ पहुँचने वाले हैं। इंदौर अभी भी 150 किलोमीटर बता रहा है, 2 से 2.5 घंटे लगेंगे हमको पहुँचने में। कंटिन्यूसली गाड़ी में बैठे हैं, 10 बजे की रात की पहुँचने में। ऐसा लग रहा है टाइम से घर पहुँचे, बिकॉज बहुत लंबा ट्रिप हो गया, 7 डेज़ हो गए हैं हमको घर से निकले हुए। ये देखिए अभी हम मऊ पहुँच गए हैं। इंदौर 20 किलोमीटर्स बाकी है, 10 बज गई है, 1/2 आवर और लगेगा हमको पहुँचने में। तो यहीं मैं ख़त्म करती हूँ अपना गोवा का ट्रिप। तो मैं मिलूँगी आपको अपने अगले व्लॉग में। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। तो मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले ब्लॉग में। तब तक गुड नाइट, बाय बाय।